आज हम बात कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.40 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन द अमाउंट। हमें क्या डिटरमाइन करना है? अमाउंट किसका? ऑफ CaCl2, और जिसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना रखा है? 2.47। डिजॉल्विंग 2.5 लीटर ऑफ वाटर, दैट मीन्स वाटर का वॉल्यूम भी दिया हुआ है, सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75। ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर भी गिवन है। तो चलिए, जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोला तो हमें पता चल गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, पाई। और हमें क्या लगाना है? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है। और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल्स टू आई इंटू एम आर टी, वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, आई इज वेंट ऑफ फैक्टर, एम इज मोलरिटी, आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। तो जरा देखते हैं, पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 0.75, आई की वैल्यू दी हुई है 2.47, मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर लीटर में है तो 1000 नहीं लिखते, इनटू आर की वैल्यू होती है 0.0821। क्यों? क्योंकि लीटर में दिया है वॉल्यूम, इसलिए 0.0821। एंड टेम्परेचर इज, टेम्परेचर ऑलवेज प्लेस करोगे केल्विन में, बच्चे 27 लिख देते हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखना है, किसमें लिखना है? केल्विन। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, 273 केल्विन, तो कितना आ गया? 300 केल्विन आ गया। दैट मींस द टेम्परेचर इज 300 केल्विन। अब 0.75 इक्वल्स टू 2.47 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, और आपको गिवन वेट तो निकालना है। एंड द मॉलिकुलर वेट ऑफ CaCl2 इज, द मॉलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम इज 40 एंड द मॉलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन इज 35.5। तो 35.5 इंटू 2 कितना होता है? 71 होता है। तो 40 में 71 ऐड करो तो 1 और 7 4 11, यानी 111 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2.5 लीटर इंटू 0.0821 इंटू 300। देखो ये आ गया हमारा CaCl2 का वेट। अब हमें W निकालना है, तो W क्या हो जाएगा? 0.75 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 111 इंटू 2.5 अपॉन 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300। अब पहले ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आप ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 208.125। अपॉन नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आएगा 60.8361। और अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, और डिवाइड करके आंसर आएगा आपका 3.421 ग्राम। दैट मीन्स द आंसर इज 3.421 ग्राम। तो बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.40 सॉल्यूशन चैप्टर NCERT एक्सरसाइज का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।